हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई एम नीलू एंड यू वाचिंग तड़का विद स्टाइल। सो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं वह है ठंडा ठंडा ओरियो मिल्क शेक। सो बच्चे तो ओरियो बिस्किट्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, पर यदि आपको कोल्ड कॉफी पीना बेहद पसंद है तो आपके लिए भी ये गुड ऑप्शन है, तो जरूर से इसे ट्राई करिएगा। फॉर नाउ लेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, बहुत ही लिमिटेड एंड रेडीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स में ये हमारा टेस्टी ओरियो शेक बनने वाला है, तो लेट्स हैव अ लुक। यहाँ हमने लिए हैं 5 ओरियो बिस्किट्स। तो ओरियो बिस्किट्स को हमने क्या किया है, इसके क्रीम को सेपरेट करके इस तरह निकाल लिया है, बहुत ही इजीली निकल जाती है वो। इसलिए गाइस, क्योंकि जब हम इन्हें ब्लेंड करेंगे मिल्क के साथ तो सारी चिकनाई वह मिल्क में छोड़ देती है और अच्छा टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए हमने इन दोनों को सेपरेट कर लिया है। यहाँ हमने लिए है पाउडर्ड शुगर एंड हियर वी हैव चिल्ड मिल्क एंड देन वी हैव हर्शीज चॉकलेट सिरप। तो सिरप आपके पास नहीं हो सो यू कैन अवॉइड इट, आप कोको पाउडर इसमें डाल सकते हैं। सो नाउ गाइज, गेट सेट एंड गो एंड लेट्स मेक द टेस्टी ओरियो शेक। सो फ्रेंड्स, नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 5 बिस्किट्स हमने लिए हैं जो सेपरेट होके हो गए हैं 10, इनको हमने जार में डालना है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे एकदम फाइनली ब्लेंड करेंगे और दूध के साथ इसे ब्लेंड नहीं करेंगे, नहीं तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होते और फिर ओरियो के पीसेस आपके मिल्कशेक में आएंगे। सो लेट्स ब्लेंड इट फर्स्ट। तो देखिए कितना फाइनली ब्लेंड ये विदाउट मिल्क हो गया है। और अब एक चम्मच हमने ये जो पाउडर हमने बनाया है ओरियो बिस्किट का वो निकाल लिया है, जिसे हम ऊपर से स्प्रिंकल करके हमारे शेक को बनाएंगे टेम्पटिंग। नाउ लेट्स मेक द ओरियो शेक। तो यहां हमने डाला है चिल्ड मिल्क, देन अ लिटिल पाउडर्ड शुगर। तो बिस्किट भी मीठे होते हैं तो बहुत ही केयरफुली आपको शुगर डालनी है। और अब इसे और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे चॉकलेट सिरप लगभग 1 चम्मच। और अब इसे करते हैं ब्लेंड और दिखाते हैं आपको इसका रिजल्ट। तो इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है और देखिए कितना चॉकलेटी हमारा शेक लग रहा है। और यहाँ हमने लिया एक सर्विंग मग, जिसे हमने चॉकलेट सिरप से सेट होने के लिए रख दिया था फ्रिज में। सो इट्स टाइम टू सर्व आवर टेस्टी ओरियो शेक। तो गाइस, जरूर से ट्राई करिएगा। इफ यू लाइक द रेसिपी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ठंडे ठंडे ये ओरियो शेक आपको देगा गर्मी से थोड़ा रिलैक्सेशन। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी आइस क्यूब्स, क्योंकि मिल्क भी हमारा चिल्ड ही था। और थोड़ा सा हमने इस पे स्प्रिंकल किया है ओरियो बिस्किट का पाउडर। सो डू ट्राई इट गाइज, और मिलते हैं फिर यहीं तड़का विद स्टाइल पर एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और याद रखिएगा, लाइफ इज ब्यूटिफुल। बाय।